नमस्ते दोस्तों, फूड विस्टा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी तीसी का लड्डू, बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तीसी के लड्डू बनाने के लिए मैंने सामग्री लिया है पिसा हुआ सौंठ, किशमिश, काजू, कुहाड़ा काट के तैयार कर लिए हैं, 1 किलो तीसी, मखाना, नारियल कटा हुआ, बबुरगोन, तेखुर 1 किलो, 1 किलो तीसी का तेल, पिसा हुआ हल्दी, म्याना 3 किलो। आग के मैं जला लिया है और इस पर धर देती हूँ कढ़ाई। तो सबसे पहले हम तीसी के भूज लेंगे अच्छे से, बिना तेल के भूजेंगे। तीसरे के लड्डू बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत लाभदायक होता है। ये बच्चा उच्चा होने पर इसको लड्डू फायदेमंद के लिए जरूर बनाया जाता है। और कोई दर्द वर्द कमर उमर में रहता है तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, इसलिए तीसरे के लड्डू जरूर बनाना चाहिए। तीसी हमारे बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसको मैं उतार देती हूँ। अब इसमें हम तेल डालती हूँ। तीसी के तेल में बबुल गोन हम फुला लेते हैं, इसको तीसी के तेल कहते हैं, अरसी तेल कहते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम फुला लेते हैं। देखो दोस्तों, इलाई की तरह हम अथा फूट जाता है अच्छे से, एकदम तेल में उतरिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इस हो गया है, मैं निकाल लेती हूँ। इस तीसी के लड्डू में डाले से स्वाद भी बढ़ जाता है और फायदेमंद भी बहुत होता है। अब मैं तेखुर के भून लेंगी। तीसी के तेल में हमने अच्छे से पका लेती हूँ, इसलिए कि तीसी बहुत फायदेमंद होता है। आप लोग घी, देसी घी भी में पका सकते हैं। हमारे पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से भिजा गया है। अब इसको मैं उतार लेती हूँ। तेल इसको बहुत अच्छे से पिघल गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसको मैं उतार लेती हूँ। इसमें तीसी का तेल जरूर प्रयोग करिए चाहिए। इसको सिलबट्टे के साथ मैं पीस लेंगे। तीसी के लड्डू बनाने के लिए सिलबट्टे के साथ पीस लेंगे। तीसी का तेल मेरे गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ पीसे हुए हल्दी। चाहे तीसी के तेल में आप लोग बना सकते हैं और चाहे देसी घी में, तो हम तीसी के तेल प्रयोग करेंगे। हल्दी मेरे हो चुका है, अब इसको उतार लेती हूँ। हल्दी के ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। लड्डू का सठौरा बनाने के लिए मैं सारा सामग्री पीस लेते हैं सिलबट्टा के सहारे। दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए सारा सामग्री मैं सिलबट्टे के सहारे पीस लिए हैं। अब इसमें सारी चीज़ के
मिला लूंगी। तीसी का पाउडर बना लिए हैं, टेखुर के मैं पीस लिए हैं सिलबट्टे के सहारे। अब इसमें डालती हूँ सोल्ट, कटा हुआ सोहाड़ा, किशमिश, काजू डाल देती हूँ। हल्दी के डाल देती हूँ, और इसमें डालती हूँ तीसी का तेल। तीसी का तेल बहुत स्वादिष्ट होता है, फायदेमंद होता है। अब इसमें सारे सामग्री को मिला लेती हूँ। चाहे तीसी के तेल में बनाइए, चाहे देसी घी में। तो दोस्तों तीसी के लड्डू बनाने के लिए हम सारा सामग्री मिला लेते हैं और इसको मिलाकर छोटे छोटे बनाएंगे लड्डू। तीसी के तेल में लड्डू बनाए से बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत फायदेमंद होता है। जो कमर उमर में दर्द रहता है तो बहुत काम करता है। इस दोस्तों हम इसी तरीके से सारे लड्डू के बना लिए हैं। छोटा छोटा लड्डू बना लिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी लड्डू कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। तो हमारा रेसिपी बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।